Regarding the conversion topic, yeah, very briefly you can. Absolutely, sir. If I divert, you can tell me to sit down, I'll sit down. सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस बहस का जवाब हमारे वजीर पार्लियामानी जवाब देंगे. मैं उनके जरिए से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि जब उनसे पूछा गया आपका मजहब क्या है तो वजीर आजम ने कहा इंडिया फर्स्ट. जब वजीर आजम से पूछा गया कि आपकी किताब कौन सी है तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आईन, कॉन्स्टिट्यूशन. अब इन दो चीजों को सामने रखकर मैं हमारे हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस से सवाल करना चाहूंगा कि क्या यह बात गलत है कि जो लोग आज मजहब की तब्दीली की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान को, हिंदुस्तान के ईसाई को पहले दर्जे का शहरी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर लेते. क्या यह बात गलत है या सही है? अगर जो लोग घर वापसी की आज बात कर रहे हैं, मैं बड़े ही इज्जत के साथ हुकूमत के सामने बात रखना चाह रहा हूं कि आपके कैबिनेट में दो मुस्लिम वजीर है. अगर कोई उनके पास जाके कहे कि भाई आप मुसलमान हैं, दोनों छोड़ दो और घर वापसी आ जाओ, आप कैसा महसूस करेंगे? तीसरी बात मैं हुकूमत से पूछना चाहूंगा कि हमारे वजीर ये कह रहे हैं, यहां पर जो बहस हुई, हिंदुस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 341 क्या है? क्या वो मजहब के ऊपर नहीं है? आप उसकी तरमीम क्यों नहीं करते? हमारे वजीर पार्लियामानी ये जवाब देते हैं कि एक कानून बनाया जाए. मैं वेंकैया नायडू साहब से कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी, आप काबिल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं, खास तौर से टीटी कृष्णमाचारी और के मुंशी ने क्या कहा था आर्टिकल 25 पर जब बहस हो रही थी. आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोई अपना मजहब तब्दील ना करे. अगर ये बात, और एक बात सर जो अहम बात है वो ये है कि तमाम तंजीमें जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इनका ताल्लुक क्या बीजेपी से नहीं है? क्या इनका ताल्लुक अम्बलिकल कॉर्ड है इनका बीजेपी से? वो रद्द कर दें कि इनका ताल्लुक नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन ले. प्राइम मिनिस्टर एक बात कहते हैं, वजीर खारजा एक बात कहते हैं, आप हिंदुस्तान में एफडीआई लाना चाहते हैं, क्या इस तरह के बातों से एफडीआई आएगा? क्या इस तरह के दहशतगर्दी के बातों से, फसाद कराने से, क्या हिंदुस्तान में ग्रोथ होगी? क्या हिंदुस्तान मजबूत होगा? यह हुकूमत पर मुनसर हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत यह कहती है कि कानून लेकर आएंगे. मैं वेंकैया जी से पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1950 सेक्शन 6 क्या तरमीम करेंगे? हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 7, 8, 9, 11 तरमीम करेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 क्या उसको बर्खास्त करेंगे? हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 26 क्या उसको निकालेंगे? ऐसा नहीं हो सकता. आखिर में सर मुझे अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े कायदे उत्तर प्रदेश के, वो अपनी तकरीर में कहते हैं उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है. क्या नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? तो ही हो रहा है. अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ. दो दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया आप, 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं, अलीगढ़ में इतना गड़बड़ हो रही है. अरे आप नूरा कुश्ती करना छोड़ दीजिए. इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप, अगर आपका मजहब हिंदुस्तान फर्स्ट है, अगर आपकी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, बंद करिए आपके लोगों को. ये बजरंग दल आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं है, हम अपने मजहब पर चलेंगे. मुझे जितना फखर हिंदुस्तानी पर है उतना फखर मुसलमानों में पर है. ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे. आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है. मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने चाहने वालों को रोको, यह मुल्क बचेगा. शुक्रिया. Please, please. Premchandra. Thank you. Only one minute, please. Yeah. Please, sir.